फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे देसी भरवा बैंगन कैसे बनाते हैं। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं। मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए किस तरह का बैंगन लिया है आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसके पंख को इस तरह से निकाल देंगे और डंठल को छोटा कर देंगे। मैं एक और करके आपको बताती हूँ। इस तरह से इसको पंख को निकाल लेंगे और इसका जो डंठल है उसको छोटा साइज का कर देंगे और इसी तरह से सारे बैंगन को तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट करें, क्योंकि पूरी मेहनत का फल है आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। सारे बैंगन का पंख और डंठल काट करके मैंने बैंगन को तैयार कर लिया है। अब बीच से इस तरह से चक्कू लगाएंगे और इसको आधा आधा कर देंगे। फिर दूसरी तरफ से इस तरह से चक्कू लगाएंगे और इसको चार हिस्सों में काट लेंगे। ये देखिए, मैंने एक बैंगन को चार हिस्से में काट लिया है, लेकिन बैंगन उसमें जुड़ा हुआ है। बैंगन को पूरी तरह से नहीं काटना है और इसी तरह से सारे बैंगन को काट करके तैयार कर लेंगे। अब मसाले को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले प्लेट में डालेंगे एक चम्मच के करीब जीरा पाउडर, एक से डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। भरवा बैंगन में मसाला आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो छोटा चम्मच लिया है अचार का मसाला। इसको डालने से बैंगन बहुत टेस्टी बनता है। ये मिर्च का अचार बनाने वाला मसाला मैंने लिया है। एक बड़ा चम्मच डालेंगे इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट। स्वाद के हिसाब से डालेंगे इसमें नमक। नमक थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि इसमें तेज नमक बहुत अच्छा लगता है। और सारे मसाले को इस तरह से मिला देंगे। मसाला बहुत सूखा सूखा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको गीला कर लेंगे। पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिला लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे। अभी भी ये सूखा लग रहा है, थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे। और ये देखिए, मसाला एकदम बराबर बन के तैयार हो गया है। बस इससे गीला और नहीं करना है, नहीं तो हमको भरने में भी दिक्कत होने लगेगी। मसाला रेडी हो गया है। अब एक बैंगन को इस तरह से लेंगे और इसमें मसाला भरना शुरू करेंगे। ये देखिए, बहुत आसानी से इसमें मसाला डाल सकते हैं। चारों तरफ से इस तरह से मसाला भर देंगे इसमें। अरे देखिए, बैंगन तैयार हो गया। इसी तरह से सारे बैंगन को भर के रख लेंगे। यदि आपको इस तरह से कटिंग करके भरने नहीं आता है तो मैं एक तरीका और बताती हूँ आपको। बैंगन को इस तरह से लीजिए और बैंगन को आधा आधा काट लीजिए। बैंगन को पूरी तरह से नहीं काटना है। और ये देखिए, इसमें भी मसाला आसानी से डाल सकते हैं आप। दोनों साइड से इस तरह से मसाला भर देंगे इसमें। और ये लीजिए, इस तरह से भी आप भरवा बैंगन बना सकते हैं। ऐसे भी भरने नहीं आता है तो एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ। बैंगन को लीजिए और बैंगन को पूरी तरह से नहीं काटना है। इस तरह से बचा के बैंगन को काटना है, बस इसमें जगह बना देनी है और इसमें इस तरह से मसाले को भर दीजिए। बस एक ही साइड से काट कर भी आप मसाले को भर सकते हैं। और ये देखिए, बढ़िया सा बैंगन भर के तैयार हो गया है। इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे उस तरह से आप भर के बैंगन को तैयार कर लीजिए। सारे बैंगन को इसी तरह से भर के तैयार कर लेंगे। बैंगन तैयार हो गया है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल भी इसको फ्राई करते समय इसमें से मसाला नहीं निकलेगा, मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ। कढ़ाई में डालेंगे दो बड़े चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल।
इसको आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो ये और भी अच्छा बनेगा। मेरे पास अभी रिफाइंड तेल है तो मैं इसी में बना रही हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो गया है और कढ़ाई में तेल को मैंने चारों तरफ फैला दिया है। एक एक करके बैगन इसमें डालते जाएंगे। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। ये देखिए एक एक करके मैंने सारे बैगन को इसमें डाल दिया है। बैगन को डालने के बाद कढ़ाई को इस तरह से हाथ में पकड़ेंगे और चारों तरफ इसके तेल इस तरह से फैला देंगे कि चारों तरफ तेल बैगन में अच्छी तरह से मिल जाए और इसको ढक देंगे। अब ढक करके थोड़ी देर इसको पकने देते हैं। गैस के फ्लेम को भी लो टू मीडियम रखेंगे और बीच बीच में इसको इस तरह से खोलते देखते रहेंगे ताकि हमारा बैगन जले नहीं। एक बार ऊपर नीचे कर देते हैं इसको। ये देखिए नीचे का पक गया है अच्छे से, लेकिन इसको थोड़ी देर अभी और पकाना है। बहुत ज्यादा इसको चलाने की जरूरत नहीं है, एक साइड से पका लीजिए और दूसरी साइड से भी इसको पलट के पकाने के बाद बाकी हिस्सों में इस ए भाप से ही पक जाता है। फिर से ढक देंगे इसको। एक बार खोल के इसको और देख लेते हैं। 3 से 4 बार मैंने इसको चलाया है और ये देखिए बैगन का भरवा कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसको थोड़ी देर पका लेंगे और ये देखिए भरवा बैगन बन के तैयार है। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें, ये बनने के बाद बहुत स्वादिष्ट लगता है और किसी भी सब्जी की जरूरत नहीं है, चावल दाल के साथ आप भरवा बैगन लेकर के खा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से आपके लिए मैं हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेकर के आती रहूंगी। चलिए अब भरवा बैगन को सर्व कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बैगन बनकर तैयार हुआ है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि मैं भी जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। खाना हमेशा वही होना चाहिए जो हमारी संस्कृति में हो और भरवा बैगन तो हमारे यहाँ हमारे देश में ही बनता है, जो देखने में तो अच्छा लगता ही है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो फिर देर किस बात का, बना डालिए और हमें जरूर बताइए। अभी तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।